रुचि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है विवेकशीलता का स्वर्ग। एक सेनापति चीन के दार्शनिक नानू सिंगे के पास सिंहासन लेकर गया। उसने जाते ही पूछा, स्वर्ग और नरक के बारे में बताइए। नानू सिंह ने उसका परिचय पूछा तो अतिथि ने अपने को सेनापति बताया। सुनकर संत हंसे और बोले, शकल तो आपके भिखारी जैसी है, सेनापति तो आप लगते नहीं। सुनते ही वह लाल पीला हो गया और अपने अपमानों से उत्तेजित होकर तलवार खींच ली और सिर काटने पर उतारू हो गया। नानू सिंह ने फिर हंसते हुए कहा, तो तुम्हारा पास तलवार भी है? क्या सचमुच लोहे की है? क्या इस पर धार भी चढ़ी है? और अगर है तो तुम्हारी कलाइयों में इतना दमखम भी है कि मेरी गर्दन काट सको? सेनापति आपके से बाहर हो गया, हाथ कांपने लगे, प्रतीत हुआ कि उसका वार होकर ही रहेगा। नानू सिंह जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, योद्धा यही है नर्क जिसकी बात तुम पूछ रहे थे। योद्धा ठंडा पड़ गया। उसने तलवार बयान में कर ली। इस पर नानू सिंह ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, देखा, यही है विवेकशीलता का स्वर्ग। जिज्ञासु का समाधान हो गया। वह घर वापस लौट गया। अखंड ज्योति जनवरी 1987। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।